दोस्तों आज ये मेरा वीडियो है, बेसिकली प्रीडोमिनेंटली मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ यंग मेल्स एंड फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है थायराइड मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर हर 100 लोगों को स्कैन कराया जाए तो करीबन 60 से 65 लोगों को किसी न किसी प्रकार का थायराइड नोड्यूल होता है। मोस्ट ऑफ द नोड्यूल जो होते हैं वो बिनाइन नॉन कैंसरस होते हैं, जिसमें मोस्टली किसी को कोई तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, पर जिनमें सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि मेरी गारंटी है कि ये वीडियो आपकी और आपके परिवारजनों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में मैं आपको थायराइड नोड्यूल के एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, गले पे स्कार ही नहीं आया और उसके बिना थायराइड नोड्यूल ठीक हो गया। थायराइड में मेनली दो तरह की गांठ होती है। पहली बिनाइन नॉन कैंसरस गांठ, ऐसी गांठ जो कैंसरस नहीं होती है या कैंसर की गांठ नहीं होती है, और इनका ट्रीटमेंट इनके सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। दूसरे प्रकार की गांठ होती है कैंसरस गांठ। कैंसरस गांठ का स्पेशली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि उनको ऑपरेट कराना ही है और थायराइड को निकलवाना ही है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली बिनाइन नॉन कैंसरस थायराइड नोड्यूल्स की। थायराइड नोड्यूल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो थायराइड की गांठ होती है, उनको हम थायराइड नोड्यूल वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर बिनाइन नॉन कैंसरस गांठ है तो इसमें भी दो तरह के ऑप्शन है। पहला ऐसी गांठ है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द गांठें कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, यानी कि 2-4 mm से लेकर 9-10-11-12 mm तक की हो सकती है। और मोस्टली इन गांठों को किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ये यूजली पड़ी रहती है। इसमें ओनली आपको करना क्या है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में दिखती है ठीक है गांठ है, तो उसकी एक एफएनएससी करानी है जस्ट टू प्रूव इट कि ये बिनाइन गांठ है, इसमें कोई कैंसर का कंपोनेंट नहीं है। और उसके बाद रूटीन अल्ट्रासाउंड के साथ इसका ईयरली और 6 मंथली फॉलोअप रख सकते हैं। दूसरे प्रकार की गांठ ऐसी गांठ होती है जो होती तो बिनाइन नॉन कैंसरस है, लेकिन वो साइज में इतनी बड़ी हो गई है कि वो अब सिम्टम जनरेट कर रही है। कैसे सिम्टम जनरेट कर रही है? गले में दर्द होना, गले में भारीपन होना, खाना खाने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, या बाहर से बड़ी गांठ का कॉस्मेटिकली बुरा दिखना, या फिर कभी कभी थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करना, तो इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करती है। तो जब इस तरह की कोई गांठ होती है तो उसमें क्या करना होता है, उसमें अपन को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में कुछ जो उसके टिपिकल रेडियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उसके आधार पर यह डिसाइड हो गया कि ये बिनाइन गांठ है और नॉन कैंसरस गांठ है, तो हम उसके आधार पर क्या करते हैं, फिर सबसे पहले एक एफएनएससी टेस्ट किया जाता है। अभी एफएनएससी टेस्ट क्या होता है? एफएनएससी टेस्ट मोस्टली अल्ट्रासाउंड में देखते हुए किया जाता है। इसमें एक बारीक सी सुई अपने थायराइड स्किन के थ्रू थायराइड के नोड्यूल के अंदर डाली जाती है और उसमें से कुछ कंटेंट एस्पिरेट किया जाता है और उसको स्लाइड पर बिछाकर पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है। तो पैथोलॉजिस्ट ये बताता है कि ये गांठें वास्तव में बिनाइन और नॉन कैंसरस है या फिर कैंसरस है। अगर पैथोलॉजिस्ट ये बोल देता है कि ये गांठें बिनाइन नॉन कैंसरस है, तो फिर इस गांठों का जो कि सिम्टम दे रही है उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है। पहला ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। इसमें क्या करता है, या तो पूरी अगर थायराइड की गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी तो पूरा थायराइड लोब या फिर पार्शियल थायराइड लोब को निकाल दिया जाता है। साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की और इतने ज़्यादा रिसर्च के बाद एक ऐसी टेक्निक ढूंढी जिसको बोलते हैं परकुटेनियस थर्मल एब्लेशन टेक्निक। इस टेक्निक के माध्यम से विदाउट एनी चीरा, विदाउट एनी स्टेज, डे केयर बेसिस पे एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा शानदार ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि ये थायराइड गांठ बिल्कुल सिकुड़ जाती है। इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इस ट्रीटमेंट में जैसे हमने एफएनएससी की थी उसी तरीके से इसमें एक एंटीना आता है। उस एंटीना को हम लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आसपास एक हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं, जिससे कि जो अपनी वाइटल स्ट्रक्चर्स होती है वो दूर हो जाती है और जिससे उनकी इंजरी के चांस नहीं होते हैं। उसके उस एंटीना को हम थायराइड की गांठ में डालते हैं और उससे फिर एक तार अटैच करते हैं और ये तार को एक जनरेटर से अटैच कर देते हैं। और जब हमें लगता है कि हम अप्रोप्रिएट पोजीशन में है तो हम जनरेटर को ऑन कर देते हैं और उसमें क्या होता है, फिर उसकी टिप से वेव जनरेट होती है, तो माइक्रोवेव या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। ये क्या करती है, ये जो उस गांठ की जो कोशिकाएं होती है उसको डेड कर देती है, उसको बर्न कर देती है एनर्जी के थ्रू। तो धीरे धीरे जब ये बर्न कोशिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और वो गांठ बिल्कुल धीरे धीरे 2 से 3 महीने में बिल्कुल छोटी हो जाती है। और इससे हुआ क्या, इससे जो आपके बेसिकली जो सिम्टम्स थे वो सब रिड्यूस हो गए। इस प्रोसीजर के क्या क्या फ़ायदे हैं, और नो एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, डे केयर बेस्ड प्रोसीजर है या ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। अगर इंश्योरेंस में हो तो हम आपको फिर भी एक दिन के लिए एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओपीडी पे आओ, कराओ और जाओ। कभी कभी बहुत हद तक टेम्प्रेरी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आती है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, वो भी 10 में से 1 या 2 पेशेंट्स में आ सकती है। उसके अलावा गले पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला यंग पेशेंट्स, तो यंग पेशेंट डू नॉट वॉन्ट स्कार ऑन दियर नेक, अपने नेक पे किसी तरह का कोई स्कार नहीं चाहता है, तो उसको इस प्रोसीजर में किसी तरह का स्कार नहीं आया। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको अपने बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मेरे को लगता है बीमारी कभी आपका राइट है, हेल्थ का अधिकार है, तो आपको बीमारी के बारे में जानिए। बहुत ज़्यादा साइंस एडवांसमेंट ले रही है, तो अगर आपको वेरिकोसिन, वेरिकोज वेन, यूट्राइन फाइब्रॉइड, थायरॉयड, जेनिकुलर आर्टरी, नी पेन या किसी भी इस तरह के
ट्रीटमेंट के बारे में और अधिक जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी नॉलेज का लेवल बढ़ाना है वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।